एक ऐसा दलित नरभक्षी जो कुकर में बनाता था इंसानी मांस, कहां मिले थे 40 से ज्यादा बैग्स में 17 इंसानों के शरीर के टुकड़े। एक ऐसा आदमखोर जो हत्या के बाद खा जाता था लाश। भारत में अनेकों सीरियल किलिंग्स के मामले हो चुके हैं, इन्हीं में से एक घटना ऐसी भी है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। दरअसल 2006 में नोएडा पुलिस को 40 से ज्यादा पॉलिथीन में महिला और बच्चों के शरीर के अलग अलग भाग के हिस्से मिलते हैं। खास बात ये कि किसी पॉलिथीन में शरीर के धड़ का हिस्सा नहीं था। पूरे मामले में बस एक सवाल हर तरफ गूंज रही थी, आखिर ये सब हुआ कैसे। नोएडा के सेक्टर 31 में निठाई नाम का गांव स्थित है। साल 2006 के जनवरी माह में पहली बार वहां से बच्चे गायब होने शुरू होते हैं। शुरुआत में पुलिस इसे सामान्य घटना मानकर इस पर ध्यान नहीं देती है और एक एक कर लगातार निठाई गांव के कई बच्चे गायब होते रहते हैं। इन सब के बाद भी पुलिस मामले पर संज्ञान नहीं लेती है और मामला दब जाता है। समय बीतता है और 7 मई 2006 को निठारी की ही पायल नामक लड़की अजीब तरीके से गायब हो जाती है। पायल के पिता नंदलाल पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, लेकिन पुलिस बात को टाल देती है। इसके बाद नंदलाल कोर्ट पहुंचते हैं, जिसके बाद कोर्ट पुलिस को FIR लिखकर मामले की जांच करने का आदेश देती है। पुलिस जांच शुरू करती है और पता चलता है कि पायल को अंतिम बार एक रिक्शे वाले ने निठारी के सेक्टर 31 में स्थित D5 कोठी के पास उतारा था, जिसके बाद से ही वो गायब थी। D5 का जिक्र आते ही पुलिस ने पायल के गायब होने की घटना को निठारी के अन्य गायब बच्चों से जोड़ना शुरू कर दिया। दरअसल अब तक जितने बच्चे गायब हुए थे उन्हें अंतिम बार D5 कोठी के पास ही देखा गया था। इसके बाद पुलिस कोठी की तलाशी लेती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। पुलिस को तलाशी में कुछ नहीं मिलता, लेकिन इसके बाद से ही गांव वाले कोठी के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। 31 दिसंबर 2006 को गांव वालों ने देखा कि कोठी के ठीक पीछे एक नाले में कई पॉलिथीन के बैग फेंके हुए हैं। लोगों को शक हुआ और उन्होंने ये बात पुलिस को बताई। पुलिस के कहने पर एक लकड़ी की मदद से एक पॉलिथीन को निकाला गया। पॉलिथीन खोलने पर उसमें से जो निकला उसने पुलिस सहित अन्य लोगों की धड़कने बढ़ा दी। दरअसल उस पॉलिथीन में एक बच्चे के पैर का हिस्सा निकलता है। सूचना तुरंत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी जाती है, जिसके बाद सारे पॉलिथीन को एक एक कर नाले से बाहर निकाला जाता है। कोठी के पीछे के नाले से निकाले गए पॉलिथीन की संख्या 40 से भी ज्यादा होती है और सभी में से छोटे छोटे बच्चों के शरीर के कटे हुए भाग निकलते हैं। कुल 17 इंसानों के कटे हुए गर्दन बरामद होते हैं, जिनमें से किसी के धड़ का हिस्सा नहीं मिलता। पुलिस तुरंत मामले में कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर और काम करने वाले सुरेंद्र कोहली को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करती है। कोठी का मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर कभी कभी कोठी आता था, जबकि बाकी दिन उसका नौकर सुरेंद्र कोहली जो दलित समाज से था वही कोठी की देखभाल करता था। पूछताछ में पता चलता है कि कोहली ने ही सभी बच्चों की हत्या की और साथ ही वो एक नौजवान युवती की भी हत्या कर चुका है। कोहली से पूछताछ में पता चला कि उसने सबसे पहले एक नौजवान लड़की की कोठी के अंदर ही गला दबाकर हत्या की थी। लड़की की हत्या के बाद सुरेंद्र कोहली ने युवती के लाश के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसने एक धारदार हथियार से लड़की की लाश को 3 हिस्सों में काट दिया। पैर और सर के हिस्से को पॉलिथीन में बांधकर नाले में फेंकने के बाद शरीर के धड़ के हिस्से को सुरेंद्र कोहली ने कुकर में डालकर पकाया और पकाने के बाद पके हुए इंसानी मांस को खा गया। बताया जाता है कि पूछताछ के दौरान ये बात सुनने के बाद दो पुलिस वालों को उल्टियां आनी शुरू हो गई थी। इसके बाद बकायदा सुरेंद्र कोहली के हाथ को बांधकर पूछताछ को आगे बढ़ाया गया। सुरेंद्र कोहली ने बताया कि पहली हत्या के बाद उसने 10-15 दिनों के बाद निठारी गांव की एक बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने कोठी के अंदर बुलाया और उसकी हत्या कर उसके सीने और हाथ के भाग को काट कर कुकर में पकाया और खा गया। दलित कोहली को अब इंसानी मांस की लत लग गई थी। इसी तरीके से सुरेंद्र कोहली ने अन्य कई बच्चों की हत्या करके उनके मांस को खाना शुरू कर दिया।